शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये आपके लिए वंशी, क्योंकि आप हमारी जिंदगी में मिठास लेकर आए हैं। मिठास हमने, आप हमारी जिंदगी में लाई है कहना। अब हम करेंगे आपसे मन की बात, हम करेंगे आपको प्रपोज। प्यार करते हैं तो कह क्यों नहीं देते हैं? और ये मैं पहले दिन से जानती हूँ कि यू लव कहना। वंश जी, आपकी कॉफी है। कॉफी। गहना सुनो जी, वो ऑफिस में एक पार्टी है, ऑफिशियल है। जिस क्लाइंट ने आपको इतना बड़ा ऑर्डर दिया ना, उनके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आप 9 बजे रेडी रहना, साथ में चलेंगे। नहीं, वो दरअसल हम पार्टीज और फंक्शंस में नहीं जाते। वो क्या है कि हमें जाना पसंद नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा वंश जी, हम तो नहीं आ पाएंगे। क्या है ना गहना जी, कभी कभी अपनी पसंद नापसंद को छोड़कर करियर पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों से मिलना इम्पोर्टेंट होता है। सो उनके संग रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना, उनके संग बॉन्डिंग बनाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी हम आपके बॉस हैं, और आपके बॉस को ना सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, गौरव को बोलो कि वो रेडी हो जाए और उसे कहना कि वो यही सूट पहने, क्योंकि पार्टी उसी के लिए रखी गई। और सुनो, उसे बोलना कि सीधा 9 बजे पहुंचे ऑन टाइम। लेकिन उर्वशी मैडम, आप ये बात खुद जाके क्यों नहीं कह सकते उनसे? हाँ, हम बोल रहे थे। अब वंश गहना को पार्टी मिले जाकर प्रपोज करेगा, वो भी गौरव का परफ्यूम लगाकर। और गौरव ये सब अपनी आंखों से देखेगा, जो कि पार्टी में मेरे साथ आएगा। हम दोनों ना बहुत धमाकेदार एंट्री मारेंगे और फिर पूरी दुनिया ये तमाशा देखेगी। यू आर ग्रेट उर्वशी, यू आर द बेस्ट। वंशी ने कहा था कि पार्टी है और यहाँ तो कोई भी नहीं है, और टेबल भी केवल एक है। अरे ये तो गौरव का परफ्यूम है। ये पार्टी कहीं गौरव ने ही तो प्लान नहीं की है। गहना, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो सादगी से भरा होगा, जो हमें पूरा करेगा। सच कहें तो अब एक भी पल आपके बिना बहुत मुश्किल है। I'm sorry कि मैंने आपको इस तरह यहाँ बुलाया, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं तो बस कुछ पल आपके संग बिताना चाहता था, अकेले, यहाँ आपके और हमारे अलावा और कोई ना हो। हम चाहते हैं कि हम आपके संग पूरी जिंदगी बिताएं।
इसीलिए आज हम मंच और नहीं उतरे। आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमें जान के बहुत खुशी है आप भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचती हैं। जी आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हमने कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। हमारे मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आया है कभी। कुछ नहीं मतलब वो फूल आप ही भेजे थे, वो कार्ड भी आप ही ने भेजा था, और वो हलवा। क्या? कौन से फूल? कौन सा कार्ड? और हलवा? कैसा हलवा वंश जी? आप ये किस बारे में बातें कर रहे हैं? हमें कुछ भी नहीं पता है। हमने कुछ नहीं भेजा है। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? गौरव, क्या तमाशा लगा रखा है? लड़की को फंसाने की चाल चलोगे? अरे जब गहना कह रही हो तुमसे प्यार नहीं करती, मतलब नहीं करती, जबरदस्ती हाँ बुलवाओगे उससे? मेरे और गहना के बीच की बात है। तुम बीच में आ रहे हो। गौरव, गौरव ये क्या कर रहे हो? वंशी, गौरव रुको, छोड़ो उन्हें। गौरव स्टॉप इट। ये मेरे और गहना के बीच की बात है, समझे तुम? तुम्हारे बीच की बात? गहना के साथ कोई और हो ही नहीं सकता। गौरव क्या कर रहे थे तुम वहाँ? क्यों वंश जी से ऐसे लड़ रहे थे? क्योंकि तुम्हें खोने का ख्याल भी हमें पागल कर देता है गहना। एक बात याद रखना गहना, किसी को तुम्हारी तरफ पलट कर देखने भी नहीं देंगे हम, क्योंकि तुम सिर्फ हमारी हो गहना, सिर्फ हमारी। और किसी और का तुम्हारी तरफ देखना तो छोड़ो, सोचना भी हमें बर्दाश्त नहीं है गहना। और क्या कह रही थी तुम, हम लड़ाई क्यों कर रहे थे? अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना गहना, तो हम उसकी जान ले लेंगे, समझे तुम? बस गौरव, बस बहुत हो गया। गौरव हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, बस करो अब ये सब, बंद करो। तुम क्यों भूल जाते हो बार बार कि तुम्हारी शादी किसी और से हो चुकी है? तुम अब किसी और के पति हो, इसलिए अब हम पे हक जताना बंद करो और ये सच्चाई को स्वीकार लो। गौरव सच तुम भूल रही हो गहना, सच्चाई है कि हम दोनों की शादी तब हो चुकी थी जब हमें शादी का मतलब भी नहीं पता था। इसलिए तुम्हारा हम पर और हमारा तुम पर पहला हक है गहना। गौरव
समझो कहना, हम नहीं जी सकते हैं तुम्हारे बिना। हमें तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी, उर्वशी मैडम के साथ नहीं। हम दोनों पति पत्नी हैं, हम पर सिर्फ एक दूसरे का हक है ना, किसी और काम पर कोई हक नहीं है। तो फिर मैं क्या हूं? और क्यों हूं? अरे तुमने सारी दुनिया के सामने मुझसे शादी की थी, मेरी मांग भरी थी गौरव, और ये मंगलसूत्र मैंने किसके नाम का पहना है? बताओ, बताओ गौरव। और अगर मैं कुछ भी नहीं हूं तो इससे अच्छा मैं मर क्यों नहीं जाती? गौरव, गौरव प्लीज एक बार मुझसे कह दो कि ये सब झूठ है, ये एक बुरा सपना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि गौरव ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे दूर नहीं जा सकते गौरव, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार मेरी शादीशुदा जिंदगी उजड़ चुकी है, अब दोबारा नहीं उजड़ सकती। मर क्यों नहीं जाती? आप अपने आप को ऐसा तकलीफ मत दीजिए मेम साहब। मेम साहब रुक, तुम दूर हो से। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? तुमने उसे हाथ कैसे लगाया? वो मेरा पति, और मेरे पति को ना तुम मुझसे छीन नहीं सकते। कितना गिरोगी तुम कहना? कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम? क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पति को छीन लोगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। क्या तुम मेरे पति की दूसरी पत्नी बनना चाहती हो? मैडम, बस उर्वशी मैम साहब, दूसरी पत्नी हम नहीं बल्कि दूसरी पत्नी आप हैं। आपका घर नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन आपने हमारा घर तोड़ा है। अगर तुम मेरे रिश्ते यहाँ बनते होंगे शहर से, लेकिन हमारे गांव में रिश्ते बनते हैं दिल से और प्यार से। जो रिश्ते दिल से और प्यार से बनते हैं वो जिंदगी भर निभाए जाते हैं, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए हम गौरव की पहली पत्नी है और हमेशा रहेंगे। और ये बात आप अच्छे से समझ जाइएगा। और रही बात आपका रिश्ता तोड़ने की, तो वो तो हम कब का तोड़ चुके होते, क्योंकि गौरव हमसे प्यार करते हैं, आपसे नहीं। मैंने तुम दोनों को अलग कर तो दिया। तुम दोनों अपनी हालत देखो, देखो चाहते हुए भी तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हम एक ही हैं मैडम, हमेशा एक ही रहेंगे। और सही कहा गहना ने, एक कागज का टुकड़ा हमें अलग नहीं कर सकता। हमने आपसे शादी मजबूरी में की थी मैडम, आप भी जानती है कि हमने आपसे शादी आपकी और
किस पूरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए की थी। प्रिंस आपसे दूर ना हो जाए इसलिए हमने आपसे शादी की थी। और एक बात सुनिए, हमने आपसे शादी इसलिए की थी क्योंकि क्योंकि आपके पापा महेंद्र जी ने हमें धमकी दी थी कि अगर हम आपसे शादी नहीं करेंगे तो वो हमारी हमारी माँ और कहना की जान ले लेंगे। चुप कहते हैं चुपचाप करते जाओ, वरना जिस माँ को खुशी खुशी गांव की बस में भेजा है ना वो अपने घर नहीं पहुंच पाएगी। जिस गहना की जान के लिए तुमने इतने पापड़ बेले हैं उसकी जान हमारे लिए बहुत मामूली है। इसलिए आपके साथ शादी सिर्फ हमारी मजबूरी थी मैडम। अच्छा हुआ मैडम आपने आज सारा सच अपने कानों से सुन लिया। हम कब से सोच रहे थे आपको बताने के लिए क्योंकि हम अपनी गहना को लेकर आपके शहर और आपके इस घर से दूर जा रहे हैं। ओम देव शांति रंदर जगुं जांदे पितरुं शांति आपम शांति नहीं गौरव, मैं तुम्हें अपने आप को इतनी आसानी से तो छोड़ने नहीं दूंगी क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहती तो मैं शादी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। और अब मैं जानती हूं कि मुझे करना क्या है। जी आप ये सब क्या बोल रहे? हमने कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, हमारे मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आया है कभी। कौन से भूल कौन सा कार्ड हलवा? कैसा हलवा वंश जी? आप अभी किस बारे में बातें कर रहे हैं? हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें हमने कुछ नहीं भेजा। थोड़े टाइम के लिए इस घर से चले जाना ही ठीक रहेगा। इतना टाइम क्यों लगता है फोन उठाने में? गाड़ी निकालो, हमें अभी निकलना है। मैं कहा था ना कहना कि तुम सिर्फ हमारी और हम ये सबको बता देंगे। अब देखना तो कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। गाना प्रेम तो एक रस्म है, प्रेम ही रिवाज है, प्रेम ही है आस्था और प्रेम ही तो रीत है। बचपन तो हम भी नहीं मारे तुम्हारी आंखों में खोर, हम नजरें नहीं मिला सकते तुमसे। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है खोर, हो सके तो हमें माफ कर देना। हम जानबूझ के तुमसे दूर रह रहे थे क्योंकि आपके पापा महेंद्र जी ने हमें धमकी दी थी कि अगर हम आपसे शादी नहीं करेंगे तो वो हमारी माँ और कहना की जान ले लेंगे। लेकिन गौरव, वो हमें मैं नहीं पता था कि साहब जी ने तुम्हें धमकी दी थी रोशि में सबसे शादी करने के लिए। हम नहीं जानते थे कौर। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्या? अब अगर इस जिंदगी में साथ नहीं रह पाए तो जिंदगी का क्या उपाय था? हम अपने गांव चलेंगे वापस, हमेशा एक साथ रहेंगे। हम भी जाकर टिकट करवा कर आते, कल सुबह
सबको बता देंगे। हम अभी आते हैं। गौरव, गौरव उर्वशी मेम साहब से सारे रिश्ते तोड़कर हमारे साथ गांव जाने के लिए तैयार है, पर हम ये घर जिसका हम काला टीका है, हमारे असली पिता का ये घर है, ये हम छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें गौरव को बताना ही होगा कि हमारे असली पिता महेंद्र साहब हैं। आप सब लोग दोपहर तक आएंगे, तब तक मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कहना कि किसी को शक तक नहीं होगा। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।